गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मैं बोलने जा रहा हूं किसके बारे में, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। इसकी डेरिवेशन, एक्सप्लेनेशन सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आज मैं बताने जा रहा हूं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, कैसे मैं रिलेट करूं। वैसे तो मैं लर्न कर लेता हूं सारा, डेरिवेशन भी हमने कर लिया, न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया, बट क्या डिफरेंस है, कैसे मैं रिलेट करूं दोनों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसको समझने के बाद ही हमें रियली समझ में आता है क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि देखो, अगर मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, दैट मीन्स ये एक रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। दैट मीन आर कन्वर्ट्स इनटू पी, रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। तो अब देखो, हमने किया था जीरो ऑर्डर में रेट निकालने का, तो रेट कैसे निकलता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन ये पावर क्या है, अपॉन सॉरी पावर क्या है, जीरो। जीरो मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हमें किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालता था, सी जैसे कि मैं रेट निकालता था, रेट इक्वल टू क्या था, ये के कंसंट्रेशन ऑफ ए, सपोज ये एक्स है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, सपोज ये वाई है, ये एक्स प्लस वाई ही तो मेरा ऑर्डर होता था। आर यू गेटिंग, अब ये ऑर्डर था, तो हमने क्या किया था, ये जो मेरा था ये एक्स, यानी कि इसका पावर ए, ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई, दोनों के पावर को हमने ऐड कर दिया तो ऑर्डर हो गया। और यहां पे मेरा रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, तो हमने सिर्फ एक रिएक्टेंट लिया है, तो इसका पावर अगर जीरो हुआ, अगर पावर जीरो हुआ, दैट मीन एक्स जीरो है, यानी कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज बता रहा हूं, सी अगर मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैं ऐसे भी कर सकता हूं सी, जैसे कि रेट को मैं यहां पे इक्वल टू के, और ये किसी का भी पावर अगर जीरो है तो मेरा वैल्यू क्या था, वन, दैट मीन्स इनटू वन, तो इस वन का तो कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज इक्वल टू के। तो मुझे क्या दिखा, मुझे क्या दिखा, जीरो ऑर्डर में रेट डिपेंड करता है सिर्फ रेट कांस्टेंट पे, रेट डिपेंड करता है कांस्टेंट पे, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। अब थोड़ी सी देखने की बात है, क्या होता है, सपोज एक बीकर हमने लिया, कोई ग्लास लिया, उसमें चाहे मैं एक मोल डालूं, दो मोल डालूं, दस मोल डालूं, हजार मोल डालूं, मिलियंस ऑफ मोल डालूं, ट्रिलियंस ऑफ मोल डालूं, कितना भी मैं डाल दूं रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, यानी कि पर सेकेंड जितना प्रोडक्ट बन रहा है या रिएक्टेंट टूट रहा है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो अब देखो, सपोज मेरे पास एक एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा एक एग्जांपल दिया, देखो यहां पे छोटा सा मैं दिखा रहा हूं, सपोज ये अमोनिया है NH3, ये टूट करके किसमें बनता है, हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में, N2 बैलेंस करने के लिए मैं यहां पे 2 डाल दिया, यहां पे 3 में डाल दिया, हो गया बैलेंस। ये मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए कंडीशन दिया हुआ, टेम्परेचर है 1130 केल्विन और कैटलिस्ट प्लैटिनम है, कैटलिस्ट प्लैटिनम है, ओके। अब सी तो क्या रहा, ये प्लैटिनम क्या है, मेरा कैटलिस्ट है, ये प्लैटिनम, ये मेटल होता है, हमें मालूम है प्लैटिनम रॉड नाम सुने हो, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट होता है, जैसे कि मैं एक छोटा सा एक रिएक्शन करके मैं दिखा रहा हूं, जैसे बीकर में लिया, सपोज ये हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में सपोज हमने थोड़ा सा, सपोज मैंने अमोनिया डाल दिया, सपोज यहां पे ये हमने अमोनिया डाल दिया, ठीक है। और अमोनिया डालने के बाद इसमें हमने क्या किया, यहां पे छोटा सा पीस एक डाल दिया, क्या प्लैटिनम, प्लैटिनम, ये प्लैटिनम का पीस हमने डाल दिया। और ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा हूं वो क्या है, अमोनिया, ये है अमोनिया, उसमें हमने प्लैटिनम डाल दिया। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, देखो बच्चे, अब क्या होता है, ये अमोनिया दिखा रहा हूं, जस्ट वेट, ये अमोनिया क्या है, इसके ऊपर प्लैटिनम के ऊपर ऐसे डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ऐसे चारों तरफ से ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा,
और फिर ये अमोनिया जब डिपोजिट हो जाएगा फिर वो एक्टिव होता है, मतलब कि रिएक्टिविटी बढ़ जाती है उसकी, और फिर जाकर के इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, अब ये अमोनिया कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। तो कहने का मतलब क्या है, सरफेस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो सरफेस एरिया तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यस नहीं हो रहा है। तो अब अगर मैं यहां पे मैं इतना सॉल्यूशन डाल दूं, यानी कि अमोनिया डाल दूं, या मैं इतना अमोनिया डालूं, या इतना डालूं, या इतना डालूं, या इतना डालूं, कितना भी मैं अमोनिया डाल दूं, सरफेस एरिया तो सेम ही रहेगा, तो डिपोजिशन भी सेम ही होगा, तो प्रोडक्ट भी तो सेम ही होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेम रह रहा है, तो प्रोडक्ट डिपेंड किस पे करता है, सरफेस एरिया पे, और सरफेस एरिया तो कुछ यहां पे शो ही नहीं किया गया, इसीलिए वो कांस्टेंट रहता है। कितना भी मैं रिएक्टेंट डाल दूं, चाहे मैं अमोनिया 2 मोल डालूं, 10 मोल डालूं, 1000 मोल डालूं, 1,000,000 मोल डालूं, बट रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तभी तो प्लैटिनम ही तो कन्वर्ट कर रहा है, अमोनिया को रिएक्टिव बना रहा है, फिर जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कोई रोल नहीं है, कितना मैं अमोनिया डाल रहा हूं कोई रोल नहीं है, रोल किसका है, कांस्टेंट का। तो मैं बोल सकता हूं इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन, ये डिपेंडेंट किस पे है, किस पे है, ये कांस्टेंट पे। ठीक है, बट अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो यस, फर्स्ट ऑर्डर में रेट डिपेंड करता है क्योंकि पावर वन है, पावर वन मतलब कि क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ आर, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ आर यानी कि रिएक्टेंट को मैं डबल करूंगा तो रेट भी डबल, कंसंट्रेशन को ट्रिपल तो रेट भी ट्रिपल, कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स तो रेट भी 4 टाइम्स। जितना ज्यादा मैं इंक्रीज करूंगा कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, रेट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब एक छोटी सी चीज है ग्राफ में, अगर ग्राफ में बनाओ जीरो ऑर्डर का तो इवन एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, सी ये एक्स एक्सिस पे हमने टाइम रखा, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, अगर मैं ऐसे ग्राफ डालूं तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ध्यान रखना है यहां भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बट यहां पे क्या है, ग्राफ किसके बीच में, टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट यहां पे किसमें है, टाइम एंड लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान रखना है लॉग। एक बार जेई में ऐसा क्वेश्चन आया भी है आईआईटी में, जो बताना था कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, सॉरी ग्राफ है। ठीक है, तो उसमें ये सिर्फ देखना है लॉग, एल एन नेचुरल लॉग बेस ई। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा ऐसा, दैट मीन फर्स्ट ऑर्डर और ये है जीरो ऑर्डर। इसको मैं दूसरे ढंग से ऐसे भी बना सकता हूं, ठीक है, ये नेगेटिव ग्राफ है, ये पॉजिटिव ग्राफ है। ठीक है, यहां पे टाइम और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल, नोट ये जीरो है, दैट मीन इनिशियल और ये फाइनल। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में हमने लिया था जितना, सपोज 10 मोल लिया था तो ये इनिशियल है, बाद में चल के ये 2 मोल हो गया तो ये फाइनल है, ये इनिशियल ये फाइनल। ठीक है, आई होप ये दिख नहीं रहा है, इसे मैं फिर से लिख रहा हूं, देखो बच्चे ये देखो, अगर सपोज इसकी कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में हमने 10 मोल लिया, ठीक है, और बाद में चल के ये 2 मोल हो गया किसका, रिएक्टेंट का, तो ये 10 हो गया आर नॉट और फाइनल ये हो गया आर ये। ठीक है, तो कहने का मतलब बाद में जितना बच जाता है रिएक्टेंट वो फाइनल कंसंट्रेशन हुआ, और जो स्टार्टिंग में हमने लिया था दैट इज इनिशियल, उसका लॉग और फिर टाइम का वर्सेस, तो ऐसा आएगा पॉजिटिव ग्राफ नेगेटिव, ये दोनों ग्राफ किसका है, किसका है, किसका है, किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का, ये किसका है, यस सेकंड ऑर्डर का, सॉरी जीरो ऑर्डर का। ठीक है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, डन। इस पे ध्यान रखना है मेरे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एक जैसा दिखता है बट वर्सेस देखना, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और
ये क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ लॉग ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा अगर ये देखोगे इसका रेट कांस्टेंट मैं ऐसे निकाल सकता हूं, ये ऑलरेडी हमने डेरिवेशन कराया है। ओके, तो ये क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, तो रेट कांस्टेंट मिल गया ये। ठीक है, इसमें मैं ऐसे निकालूंगा, इसकी भी डेरिवेशन हमने ऑलरेडी करा दिया है 2.303। जब मैं नॉर्मल लॉग यानी कि ऐसा नेचुरल लॉग को मैं नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करता हूं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करता हूं अपॉन टी लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल और फाइनल, तो इससे भी मेरा आ जाएगा आंसर अगर मेरा रेट कांस्टेंट निकालना है तो। तो ये तो ऑलरेडी हमने कराया है, बट फिर भी अगर किसी बच्चों को डाउट है तो यहां से वो क्लियर हो गया। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम सपोज कोई रिएक्शन को कंप्लीट होने में सपोज 10 मिनट लगता है तो 5 मिनट मेरा हाफ लाइफ टाइम होगा। ठीक है, बट उसको निकालने का तरीका, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये ऐसे मैं निकालूंगा, इसका भी डेरिवेशन ऑलरेडी हमने कराया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को मैं ऐसे निकालूंगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को मैं ऐसे निकालूंगा, तो क्या दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये दिखा नहीं है, सिर्फ रेट कांस्टेंट और ये वैल्यू है। ठीक है, और यहां पे इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। गॉट, और एक ओवरऑल लास्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल ये है, और जनरली ऐसे लिखा गया है जितने भी, ठीक है, जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कैटलिस्ट यूज किया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में, यू माइट हैव डन, उसमें चाहे आयरन हो, कॉपर हो, जिंक हो, प्लैटिनम हो, और भी बहुत सारे कैटलिस्ट लिया जाता है, जहां भी वो कैटलिस्ट यूज किया जाता है जनरली सारे ने जनरली वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जनरली जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो सारे लगभग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं। तो आई थिंक यू माइट हैव गॉट, सी इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, चेक दिस एंड थैंक यू बेटा।